एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों की सारी जो पढ़ाई है सारे सब्जेक्ट की वो टाइम टू टाइम हो रही है। और लेट मत करो, एग्जाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं है, दिन भर दिन बीतते जा रहा है। अब जुलाई मंथ आ गया है जैसे कि आपको पता है, एंड कुछ मंथ का ही सवाल है जहां पे आपके एग्जाम ड्यू हो जाएंगे या आपको टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डोंट बी लेट, अगर आपको 90 अबव 100 मार्क्स ऐसे आपको चाहिए, टॉपर्स मार्क्स चाहिए, तो आप अभी से अपनी सारी पढ़ाई शुरू कर दो। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में सारे टाइप्स ऑफ बैंक बहुत ही इजीली, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो दिस लेक्चर विल बी रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी याद होगा हमने कमर्शियल बैंक वन ऑफ द टाइप ऑफ बैंक में पढ़ा था जो इकोनॉमिक एंड डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारे जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश करते हैं ताकि लोगों के लिए इन बैंकों से ट्रांजेक्शन करना ईजी हो। फिर मैंने आपको इनके कुछ फंक्शंस भी बताए थे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। वही सारे डिटेल में हम सारी चीजें इधर देखने वाले हैं क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक। जैसे एक्सिस बैंक ले सकते हो, HDFC बैंक ले सकते हो, या सिटी बैंक एज अ फॉरेन सेक्टर बैंक ले सकते हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो रखा वो वन ऑफ द कमर्शियल बैंक हमारे इंडिया में प्रेजेंटली एक्टिव काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया हुआ है जहां पे उन्होंने बोला हुआ है कमर्शियल बैंक के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। सीधी सी बात है, प्राइमरी फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो मेन एम होता है किसी भी बैंक का। अब मेन एम मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक मैंने ड्रॉ किया था कि हमारे इकोनॉमी में कुछ सरप्लस यूनिट्स या सरप्लस पैसे वाले कुछ लोग होते हैं और कुछ कंपनीज या कुछ इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं जहां उनको पैसे बैंक लोन की जरूरत पड़ती है तो सरप्लस यूनिट वाले बैंक को पैसा देते हैं जहां पे बैंक उनको इंटरेस्ट देती है, एंड देन इन टर्न डेफिसिट यूनिट जो है बैंक से लोन वगैरह क्रेडिट पे सारी चीजें लेते हैं जहां से वो फिर इंटरेस्ट बैंक को भरते हैं। तो उसका डिफरेंस जो है वो मेनली क्या रहता है, बैंक का प्रॉफिट एज अ कलेक्ट होता है। तो वैसा ही है, मैंने देखो जो बताया आपको कि डिपॉजिट लेना सरप्लस यूनिट से और डेफिसिट यूनिट को लोन एंड एडवांस देना, वो उनका प्राइमरी फंक्शन है। अभी प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या, तो वो कोर बैंकिंग फंक्शन है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कोई भी नहीं हो सकता। The most important function of any bank will be accepting deposit and granting loan and advances. हाँ, अब आप बोलोगे मैम सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, तो सेकेंडरी फंक्शन में दो फंक्शन जैसे कि आपको दिख रहे एजेंसी एंड यूटिलिटी, ये दो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कोई बैंक परफॉर्म कर भी सकती है और कोई बैंक परफॉर्म नहीं भी कर सकती है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं रहते ये। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी फंक्शंस में वो फंक्शंस है जो दी मोस्ट कोर बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, और ये सेकेंडरी पार्ट रहते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस रहते हैं, मतलब आफ्टर प्राइमरी अगर वो कुछ यूटिलिटी टाइप या कुछ एजेंसी टाइप देना चाहते हैं, कुछ एडिशनल, यू नो ऐसा होता है ना कि ये एक्सिस बैंक के पास है बट SBI के पास नहीं है, तो आप कुछ अगर एडिशनल हटके देना चाहते हो तो वो सारी चीजें सेकेंडरी फंक्शन में आती है। वो देख लेंगे हम डिटेल में, अगर आपको इधर क्लियर नहीं हुआ है लेट्स मूव ऑन प्राइमरी फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन जैसे मैंने बोला कि ये कौन से फंक्शंस को कवर करता है, कोर बैंकिंग फंक्शन को कवर करता है। उसमें दो आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड दूसरा मैंने बताया ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। जैसे कि आप देख रहे हो ये बी है और ये ए है, बट उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसका चार्ट चाहे तो मैं आपको कम्युनिटी चैनल पे शेयर कर दूंगी, ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है बट बहुत ही मैंने लास्ट ईयर के वालों बच्चों के लिए किया था,
तो वो शायद प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप क्या करना, अपने जो नोट्स आप बनाते हो, बना रहे हो, और जो नहीं बना रहा है वो बनाना स्टार्ट कर दो, तो उस नोट्स में आप रिकॉलिंग के लिए, रिमेम्बर करने के लिए वो सारे पॉइंट्स को आप वो ड्रॉ करके या अपने गैलरी वगैरह में सेव करके रख सकते हो। बहुत ब्यूटीफुली मैंने कलरफुल एक चार्ट बनाया है इसको लेके। ओके, नाउ सबसे पहला जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, किसमें, प्राइमरी फंक्शन में। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, किसी भी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन से कमर्शियल बैंक का ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि सबसे पहले आपको डिपॉजिट्स कलेक्ट करने, जिनके पास सरप्लस पैसा है, जिनको अभी घर में नहीं रखना है, जिनको कहीं पे और इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो बैंक के पास आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, वो बैंक के पास आते हैं और बैंक में जाके सबमिट कर देते हैं वो पैसा, तो उसी को हम बोलते हैं। अब जो बैंक है वो क्या एक्सेप्ट कर रही है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, और यही डिपॉजिट आप टू टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, टाइम डिपॉजिट। आपको समझ रहा है, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में हम दो फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो टाइप के डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। अभी देखो, टाइम डिपॉजिट्स में भी दो टाइप के डिपॉजिट्स आ रहे हैं, मतलब इतना कैटेगरी है इसमें, तो थोड़ा सा याद रखना। सो सबसे पहला डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में, एंड दूसरा रीअकरिंग डिपॉजिट। अभी देखो, कंफ्यूज मत होना, टाइम डिपॉजिट में वो डिपॉजिट आता है जिसकी जो पीरियड रहता है वो फिक्स रहता है, है ना। मतलब देखो, टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट है एंड रीअकरिंग डिपॉजिट है, मतलब जो इसकी मैच्योरिटी आने वाली है, जैसे आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ अगर कभी बैंक में गए हो, मम्मी के पापा के पास अगर सरप्लस पैसे रहते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बैंक के पास जाके डिपॉजिट करवा देते हैं, ताकि कभी हमको फ्यूचर में ये पैसा लगे तो हम विड्रॉ करके वो फ्यूचर की नीड को कंप्लीट कर सके। बट फ्यूचर में वो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, कितने भी साल हो सकते हैं, तो टाइम डिपॉजिट में वो दो डिपॉजिट आते हैं जिनकी मैच्योरिटी आती है आफ्टर वो कंप्लीशन या एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। एक टाइम के लिए आप पैसा डिपॉजिट करते हो एंड देन ही आप वो विड्रॉ कर सकते हो। इसमें बैंक जो है आपको विड्रॉल एंड डिपॉजिट अलाउ नहीं करेगी, जैसे कि वो अलाउ डिमांड डिपॉजिट में कर रही थी। बट टाइम डिपॉजिट में एक इधर फीचर है कि टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, आर रिपेड टू कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। मतलब कि जो भी क्लाइंट रहेगा बैंक का, बैंक के साथ उसके, बैंक और क्लाइंट का डील होता है कि ये वाला पैसा आप टाइम डिपॉजिट में रख लो और ये हम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, जो भी होगा 1 ईयर, 2 ईयर, तभी हम आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे वो पैसा लेने के लिए वापस, ठीक है। तो अब इसमें दो टाइप के डिपॉजिट आते हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड रीअकरिंग डिपॉजिट। सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपके पास तुरंत 5 लाख अवेलेबल है, क्या अगर आपके पास तुरंत 5 लाख अवेलेबल है, तो आप बैंक में जाओगे और सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कर दोगे, बैंक आपको 3 साल के बाद बुलाएगी और उस पे इंटरेस्ट, जो भी क्यूमुलेटिव सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट बनता है, जैसे भी आपके एंड बैंक के साथ डील हुआ था उस पे आपको इंटरेस्ट देगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बट इसमें फीचर क्या था, इसमें आपने क्या चीज नोटिस किया कि एक साथ आपने 5 लाख सबमिट कर दिया, क्योंकि आपके घर में या आपने कुछ अपनी असेट बेची थी, गोल्ड वगैरह बेचा था, जिससे कि आपको लमसम पैसा आ गया, अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने बैंक को एज अ फिक्स डिपॉजिट दे दिया। अभी वही रीअकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, मैं साथ साथ में इसलिए समझा रही हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके कि फिक्स डिपॉजिट एंड रीअकरिंग डिपॉजिट में एक्चुअल डिफरेंस क्या। अभी देखो, रीअकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, जहां पे 5 लाख आपके पास तुरंत अवेलेबल नहीं है, बट आप कैसे SIP, जानते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और SIP हम म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं, बैंक के साथ नहीं। SIP जैसा ही एक कंसेप्ट है इधर रीअकरिंग डिपॉजिट में, जहां पे आपके पास 5 लाख इतना बड़ा अमाउंट अवेलेबल तो नहीं है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो या सैलरीड इनकम वाले पर्सन हो, तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो, यार मुझे डिपॉजिट चाहिए, वो भी टाइम डिपॉजिट चाहिए।
तो बैंक बोलती है अच्छा पैसे दो, है क्या अवेलेबल आपके पास लमसम पैसा? वो बोलती है लमसम पैसा तो नहीं है, बट देखो मैं कमा रहा हूं, फ्यूचर में आ सकता है मेरे पास लमसम पैसा। तो बैंक बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन ना ले तू, ठीक है, तू क्या कर हर महीने के एंड में मुझे 5,000, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितनी भी आपकी हैसियत है उस हिसाब के, उस हिसाब से हैसियत मतलब जितना भी आप कमा रहे हो उस हिसाब से आपको जितना सेव करना है उतना अमाउंट आप हमें मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में हमें दे दीजिए। जैसे मैं अगर हर मंथ 10,000 दे रही हूं तो मैं फर्स्ट मंथ में 10,000 दूंगी, सेकेंड मंथ में 10,000 दूंगी, तो इस पे मुझे ना क्या होगा, हर महीने मुझे एडवांटेज मिलेगा कि 10,000 पे मुझे फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर 20,000 पे, फिर 30,000 पे, मतलब मेरे को उस दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कब एफडी जैसा 5,00,000 आएगा और तब मैं एक साथ टाइम डिपॉजिट एज अ फिक्स डिपॉजिट करूंगी, वो दिन देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत जाऊंगी और बोलूंगी मुझे टाइम डिपॉजिट लेना है, बट बैंक बोलेगी ठीक है टाइम डिपॉजिट में आपके लिए हमारे पास रीअकरिंग डिपॉजिट है, मतलब जैसे ही आपके पास मंथली टू मंथली पैसा आता है आप हमें देते जाओ ताकि हम आपके बिहाफ पे वो सेव करते जाए और उस पे हम आपको इंटरेस्ट देते जाए। तो सेम कंसेप्ट है फिक्स डिपॉजिट में, सिर्फ एक साथ लमसम पैसा चाहिए, इधर लमसम पैसा नहीं, ऑलमोस्ट इन दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो सेम ही रहता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस यही है कि आपने एफडी में पहले ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो उसपे जो आपको अमाउंट मिलेगा एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो ऑफकोर्स वो ज्यादा होगा, कैलकुलेशन है इधर, ठीक है। सो रीअकरिंग डिपॉजिट पे आप 5,00,000 धीरे धीरे हो रहा है तो जब आप उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसका जो पीरियड होगा या जो अमाउंट, मतलब जो अमाउंट कलेक्ट होगा एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि आपने जो 5,00,000 दिया था स्टार्टिंग में नहीं दिया था, धीरे धीरे करके दिया। तो यही सारी चीजें हैं फिक्स डिपॉजिट एंड रीअकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस। अब आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। देखो फिक्स डिपॉजिट इज अ अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बेयरिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट। याद रखना फिक्स अमाउंट देते हो इधर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए देते हो और उस पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है बाय बैंक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा रहेगा। ऑफ कोर्स क्यों ज्यादा रहेगा ये मैं आगे डिस्कशन करूंगी, बट अभी के लिए सिर्फ याद रखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर्ड टू सेविंग बैंक अकाउंट इधर आपको ज्यादा मिलता है। नॉर्मली विड्रॉल इज नॉट परमिटेड। देखो इन्होंने बोला है कि अगर आप आते हो विड्रॉ करवाने के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 5,00,000 का क्या किया था सबमिशन किया था, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में, बट आपको इमरजेंसी में लग रहा है वो तीसरे साल में ही आपको एफडी का अमाउंट लग रहा है तो वो अलाउड नहीं रहता है नॉर्मली, बट एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभार बिफोर मैच्योरिटी जो है वो अलाउड किया जाता है बैंक के थ्रू। जैसे इमरजेंसी क्या हो सकता है, जैसे क्लाइंट के घर पे कुछ डेथ हो गई, कुछ कोई बीमार हो गया, बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी आ गई, तो ये केसेस को समझते हुए बैंक जो है वो विड्रॉल अलाउ करती है। बट हाँ इधर बैंक का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है तो उसके लिए जो है वो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिर इंटरेस्ट पे करके वो अपना काम खत्म करती है। फॉर दिस डिपॉजिट, फॉर अमाउंट डिपॉजिट इन दिस अकाउंट एफडीआर इज इशूड बाय द बैंक। अभी देखो एक प्रूफ के लिए, जैसे कि आपने एफडी रखा है इस बैंक के पास, इसका प्रूफ क्या है, तो आपको एक रिसीट दिया जाता है, ठीक है, एफडी रिसीट बोलते हैं हम, आपको एक रिसीट दिया जाता है, एक कागज होता है उस पे बैंक का नाम, कितना अमाउंट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा एंड ऑल दैट, वो एक कागज पे लिखा रहता है, वो एज अ प्रूफ आपके पास रहता है, ठीक है, मतलब वो आपके पास रहा तो ही आपको बाद में पैसा मिलेगा, तो ये आपको बहुत सिक्योर वे में रखना पड़ता है। अब आगे वो एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि यही रिसीट आप क्या कैसे किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, बैंक से लोन लेने के लिए यूज कर सकते हो। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे बैंक से लोन लेने के लिए यूज किया जा सकता है। देखो
अगर मैं मेरे पास बिल्डिंग है, अगर मेरे पास कार है, तो वो क्या है, मेरा असेट है क्योंकि मैंने उसके लिए पैसे भरे, मेरे पास ओनरशिप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हुए वो मेरा असेट बन जाता है, वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो वैसे ही जो एफडी रिसीव्ड होता है, जो एफडी होता है, एफडी का जो अमाउंट रहता है वो आपका असेट माना जाता है। तो कभी भी जब भी आपको बैंक से लोन की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो, जब भी आपको बैंक से लोन की जरूरत पड़ेगी तो यही एफडी को यूज करके आप क्या ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। अभी कोई बोलेगा मैम लोन लेने की जरूरत क्या, आप एफडी विड्रॉल कर लो ना। नहीं करना, कोई इंसान सोचेगा यार एफडी को तुड़वा के क्यों मैं लोन मतलब एफडी को तुड़वा के क्यों यूज करूं, इससे अच्छा क्या करता हूं, इसको ही गिरवी रख देता हूं और लोन के लोन जो है वो ले लूंगा इसके अगेंस्ट, और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं लोन को पे बैक कर दूंगा। किसी किसी का ये थिंकिंग होता है। आप जैसे भी करना चाहो, या तो एफडी को तुड़वा के अपना नीड कंप्लीट करो, नहीं तो आप लोन ले लो जो आपको फायदेमंद बेनिफिशियरी लगता है, वो सारी चीजें। ओके, ये हो गया अपना एफडी। ओके, नाउ रीअकरिंग डिपॉजिट, दैट इज आरडी। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि एफडी और जो आरडी है वो कौन लेता है, सैलरीड पर्सन नहीं तो बिजनेसमैन जिसके पास रेगुलर इनकम आता रहता है, एक सर्टन पीरियड के पास उसके पास रेगुलर इनकम आता है। तो वो क्या करता है, एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है और बाद में वो अकुमुलेटेड अमाउंट जो है इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी डेट पे विड्रॉ कर सकता है, जस्ट लाइक एफडी। बस डिफरेंस यही है, एफडी में आपको साथ में पैसा देना पड़ेगा, आरडी में आप एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसा दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर विच इज सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसा ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और इसमें एक खास बात है कि आपको ना सेपरेट पासबुक मिलता है, जैसे आपको सेविंग अकाउंट का पासबुक मिलता है ना, कितने बार विड्रॉल हुआ, कितने बार आपने डिपॉजिट किया, तो वैसे ही आपको आरडी अकाउंट का भी, रीअकरिंग डिपॉजिट का भी क्या दिया जाता है, आपको एक सेपरेट पासबुक दिया जाता है ताकि आप देख पाओ कि इसमें टोटल बैलेंस कितना हुआ है। एफडी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वन टाइम पेमेंट होता है, बट इसमें हर मंथ होता है तो कभी कभी आपको अपडेट की जरूरत रहती है, यार मैंने कितने मंथ डिपॉजिट किया, कितने मंथ नहीं किया, ये सारी चीजें आपको अप टू डेट लगती रहती है। तो इसीलिए इसमें एक सेपरेट पासबुक की फैसिलिटी रहती है जो आरडी अकाउंट में दिया जाता है। तो आपको टाइम डिपॉजिट के अंदर फिक्स डिपॉजिट एंड रीअकरिंग डिपॉजिट समझा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं डिमांड डिपॉजिट। किस पे, डिमांड डिपॉजिट। सो इसको मैं अलग तरीके से हाईलाइट कर देती हूं क्योंकि ये दो मेन कैटेगरी है। ओके, नाउ डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, टाइम डिपॉजिट, फिक्स इंटरवल, फिक्स पीरियड, फिक्स अमाउंट। ओके, इधर ऐसा कुछ नहीं रहता। आप जब भी डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट करवाते हो बैंक से, कभी भी जाके आप वो विड्रॉ करवा सकते हो, चेक के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, जो भी मेथड है आपके पास, विड्रॉल स्लिप के थ्रू, जो भी मेथड है। जैसे कि आप लोगों के पास भी ये डिमांड डिपॉजिट होगा ही होगा, सेविंग अकाउंट ये है कि नहीं आपके पास, जरूर होगा। आधे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनमें से आधे लोगों के पास तो पक्का होगा, और आधे लोग अभी फ्यूचर में दो तीन साल में अपना उनका ऐसा बारी आने ही वाला है कि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट ये बेसिक अकाउंट रहता है जो हर इंसान के पास रहना ही चाहिए। कभी कभी आपको बहुत सारी चीजों के लिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाती है, जैसे कि अभी याद होगा आपको जनधन योजना बाय प्राइम मिनिस्टर आया था, जहां पे ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट 2000 सालाना 2000 महीना आई थिंक सो या सालाना कुछ तो भी गरीब लोगों को उनके अकाउंट में दिया जा रहा था, लेकिन उसी उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था जिनके पास जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट हो, कैश में ये डिस्पर्स नहीं हो रहा था। तो ये मेन गवर्नमेंट का जो इशू था कि सबके पास अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता था पहले जब हम कैश में देते थे तो आपको भी पता है पॉलिटिक्स एंड बीच वाले खाने वाले लोग खा जाते थे कैश, बट अभी क्या हो रहा है उधर से इशू हो रहा है और डायरेक्ट 2000 रुपए क्रेडिट हो जाता है अपने दादी नानी अकाउंट, आपने शायद अगर किसी का देखा होगा तो कोविड के टाइम पे भी बहुत सुनने में आया था कि गवर्नमेंट 2000 क्रेडिट कर रही है। तो ये सेविंग अकाउंट में होता है, एक बेसिक अकाउंट होता है जो बहुत नॉर्मल फैसिलिटी देता है, जैसे कि इसमें 2-3% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है,
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेस रहता है फिक्स डिपॉजिट के, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर, क्योंकि आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट है, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये डिमांड डिपॉजिट है, मतलब कि व्हेनेवर द कस्टमर वांट देयर फंड यू हैव टू रिटर्न बैक, जो कि इस केस में नहीं था। टाइम डिपॉजिट में क्या था, फिक्स इंटरवल, फिक्स टाइम। इसमें जब जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा वैसे ही आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा। और ये किस किस से विड्रॉल हो सकता है, विड्रॉल स्लिप से, चेक से, एटीएम कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांसफर से। ओके, नाउ आते हैं अभी आपके अकाउंट पे, दैट इज सेविंग अकाउंट। ठीक है, सो ये सेविंग अकाउंट कौन ओपन करते हैं, जिनके पास रेगुलर फिक्स इनकम होता है, सैलरी या वेजेस होता है। ये किस लिए ओपन किया जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक सेविंग, बैंक में सेव करने की एक होता है ना, बैंक में सेव करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि क्या होता है घर में सेव किया, घर में वो चोरी हो जाता है, इनसिक्योर रहता है वो पैसा, या जो बूढ़े लोग होते हैं उनके ही बाल बच्चे उनसे पैसे चुरा के लेके चले जाते हैं, तो सेविंग अकाउंट उनके अथॉरिटी के बिना विड्रॉल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लोगों के अंदर ये हैबिट डालने के लिए कि आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करो और उसमें सेव करो पैसे, इसीलिए इसका नाम ही सेविंग अकाउंट है, बिकॉज इसमें मेन एम है कि आपको सेव करना है पैसे इस अकाउंट के थ्रू। दिस डिपॉजिट अकाउंट आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेविंग, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट। देखो क्या होता है, आप ना विड्रॉ कभी भी कर सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभार बैंक बोलती है नहीं, इस लिमिट से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। अभी है कि नहीं है 50,000 या तो 40,000 जो था पहले एटीएम, इतना ही मैक्सिमम विड्रॉल कर पाता था, उससे ज्यादा विड्रॉ करना है तो अगले दिन कीजिए, नहीं तो बैंक के पास कीजिए। एटीएम की लिमिट सेट होती थी कि सेविंग अकाउंट या विड्रॉवल जो भी आपको करना है, या तो आप रीजन बताइए कि आपका रीजन क्या है विड्रॉ करने का, तभी हम 40,000 नहीं तो 5,000 से, सॉरी 40,000 नहीं तो 50,000 के ऊपर विड्रॉ करेंगे। तो एक लिमिट सेट कर दिया गया है कि ये समझते हुए कि आजकल कैशलेस इकोनॉमी हो रही है, या लोगों ने ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं करवाना चाहिए, सेव करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए ये लिमिट सेट करके रखा है। दिस अकाउंट कैरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया था, 2-3% ही इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ज्यादा नहीं रहता। और ये जो इंटरेस्ट होता है, आपने भी बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट में मंथली क्रेडिट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे क्रेडिट होते हुए देखा होगा अपने अकाउंट में, मंथली एक छोटी सी अमाउंट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको मिलती है। इसमें पासबुक फैसिलिटी रहती है, आपको आजकल तो बहुत बैंक SMS के थ्रू आपको बैलेंस भी अपडेट करती है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट दे देती है, ऑनलाइन दे देती है, नहीं तो ऑफलाइन अगर आपने बैंक को बोला है कि हमको ऑफलाइन स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सारे जो फैसिलिटी है आपको सेविंग अकाउंट के थ्रू मिल जाता है। नाउ अभी नेक्स्ट जो एक दिया हुआ है वो ध्यान से सुनना कि इस सेविंग अकाउंट होल्डर में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है, फ्लेक्सी डिपॉजिट की फैसिलिटी। फ्लेक्सी डिपॉजिट मतलब होता क्या है, बहुत सारी बैंक ना क्या करती है, अगर आपका अकाउंट में 2,00,000 ये जो पैसे हैं, ठीक है, ये रहते ही रहते हैं, और कभी कभार आपके अकाउंट में 3,00,000 आ जाते हैं, तो बैंक समझती है ये 2,00,000 तो उसको लग रहे हैं, जो ऊपर के 1,00,000 है ना वो उसको हाल फिलहाल में नहीं रहेंगे। तो आप ना इसको ऑटो स्वैप फैसिलिटी भी आजकल बोलते हैं, मैं आपको ये फ्लेक्सी डिपॉजिट पहले के जमाने में बोलते थे वो वाला टर्म हम सीख रहे हैं, बट उसको आज के टाइम पे ऑटो स्वैप फैसिलिटी बोलते हैं, कि आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो कि अगर कभी भी मेरे अकाउंट में 2,00,000 के ऊपर पैसा गया तो जितना भी 2,00,000 के ऊपर है वो मेरे फिक्स डिपॉजिट में डाल देना। तो फिक्स डिपॉजिट में जैसे ही डलेगा उस दिन से उसको FD रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि विच इज हायर देन सेविंग अकाउंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो स्वैप की फैसिलिटी। समझ में आ रहा है आपको, मतलब कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। तो ये बहुत ही एक मस्त फैसिलिटी है जो सेविंग अकाउंट से अटैच रहती है, कि अगर आपकी वो लिमिट से ऊपर पैसा गया तो वो ऑटोमेटिकली FD अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और जिसके थ्रू आप FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा पाते हो अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू ही।
सो देखो दिस फैसिलिटी कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. दिस इज नॉट अ सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट. मतलब ये सेविंग में ही ये प्लस फैसिलिटी दी जाती है, ये सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, ये मत समझना. तो ऐसा उन्होंने बोला हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट विद द स्पेशल फीचर एंड बेनिफिट. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट द एक्सेस अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स टू फिक्स डिपॉजिट व्हेन द एडेक्वेट फंड इज नॉट अवेलेबल टू ऑनर पेमेंट और चेक ऑफ सेविंग अकाउंट फंड गेट ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू सेविंग बैंक अकाउंट. उन्होंने उधर आगे आपको और डिटेल में समझा रखा है कि अगर ऐसे आप मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट आपका जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर होता है. और अगर बाय चांस कभी कभार ऐसा है ना कि वो 1 लाख भी खत्म हो गया है और 2 लाख भी खत्म, मतलब 2 लाख से पैसा चाहिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली विड्रॉल इस 2 लाख से अलाउ करेगा क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, सेविंग अकाउंट में ही प्लस अकाउंट ओपन हुआ है. तो ऑटोमेटिकली सारी चीज अपने आप हो रही होंगी कि अगर ज्यादा पैसा हुआ है उस अकाउंट में तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उसी अकाउंट में, और अगर कम पड़ रहा है तो फिर आपके सेविंग अकाउंट से, मतलब फिक्स डिपॉजिट वाला तो वो जो ऑटो सैप हुआ था वो तो खत्म ही हो गया और सेविंग अकाउंट की में जो अब बचा है उससे वो सारी चीजें आपको मिल पा रही है. नाउ नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट. अभी करंट अकाउंट मतलब क्या? तो ये मेनली जैसे कि सेविंग अकाउंट आपने पढ़ा था, तो सेविंग अकाउंट किसके पास रहता है? सेविंग अकाउंट किसी भी सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन के पास रहता है. बट एक चीज याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकता है? बिजनेस फर्म एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकता है. इसमें जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस. मतलब दे कांट ओपन देयर करंट अकाउंट. ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फर्म के लिए बना है जिनके हाई नंबर पे ट्रांजेक्शन अप एंड डाउन रहता है. सो सच एन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हु हैव रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन दिस अकाउंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ अमाउंट, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस इंटरेस्ट. ये भी हाईलाइट कर लो कि इस अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है. मतलब आप देख रहे हो ट्रेंड कैसा, इस पे 7% अप्रोक्सीमेटली मिलता है, इस पे भी 7%, इस पे 2% to 3%, आजकल कोई कोई बैंक 4% भी दे रही है, और करंट अकाउंट पे तो 0% रहता है क्योंकि ये नॉर्मली बिजनेसमैन के लिए रहता है. विड्रॉल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं नॉर्मली बिजनेसमैन के पास, इसीलिए ऐसा एक करंट अकाउंट की, मतलब ऐसा एक अकाउंट की नीड पड़ी जहां पे बिजनेसमैन को अलाउ किया जाए सेविंग अकाउंट से ज्यादा विड्रॉल. क्योंकि सेविंग अकाउंट में क्या डिसएडवांटेज अटैच था कि उधर ज्यादा टाइम पे विड्रॉल अलाउड नहीं रहेगा. अगर आप इधर देख पा रहे हो तो इधर विड्रॉवल भी आपको ज्यादा अलाउड है. सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल, और जिसका बहुत रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है वो करंट अकाउंट ओपन करता है. इसमें एक आपको फैसिलिटी दी जाती है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जिसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं. अगर आप देख पा रहे हो तो इधर ही हम ये पढ़ने वाले कि जिसके पास भी करंट अकाउंट होता है उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है फॉर करंट अकाउंट बैंक प्रोवाइड स्टेटमेंट एवरी मंथ. ये तो ठीक है, लेकिन यस करंट अकाउंट के साथ एक फैसिलिटी क्या दी जाती है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, जो कि हम लोन सेक्शन में आगे के लेक्चर में देखेंगे. तो आई थिंक सो आपको जो डिपॉजिट वाला प्राइमरी फंक्शन था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला जो प्राइमरी फंक्शन था, वो अच्छे से डिटेल में समझ गया होगा. और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे कमेंट बॉक्स में. आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होगा, ऐसा मेरा दावा है. लेकिन स्टिल अगर डाउट हुआ तो बेफिक्र कुछ टेंशन ना लेके मुझसे डाउट पूछ लेना. ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग वाइंडिंग अप दिस लेक्चर. मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो. और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो. और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से. सो बाय बाय, सी यू.